सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम एक नवीन अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जैसा कि आप पाठ के शीर्षक से ही समझ पा रहे होंगे कि पाठ के अंतर्गत चिट्ठियों की चर्चा की गई है, पत्रों की चर्चा की गई है। इसके लेखक हैं बेटा अरविंद कुमार सिंह। पाठ के अंतर्गत हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित होंगे, साथ ही पत्रों की क्या उपयोगिता है इसको भी समझ पाएंगे। पत्र सभ्यता के विकास में कितने महत्वपूर्ण रहे, उनका क्या योगदान रहा, इसकी अहमियत को भी हम समझ पाएंगे। बदलती दुनिया के साथ पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पत्र प्रेरणा के स्रोत होते हैं, साथ ही पत्रों को दस्तावेज के रूप में भी पत्रों का प्रयोग पर पत्रों की अहमियत आकी जा सकती है। प्राचीन समय में जब संचार के साधन कम थे, तब पत्र अपनी अहम भूमिका निभाते थे। ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था, क्योंकि पत्र ही वे माध्यम थे जो परिवारजनों की कुशल क्षेम दिया करते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में अत्यंत पुरानी है और इसका विकास आज़ादी के बाद हुआ। पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आज भी पत्र अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि आजकल आधुनिक युग में संचार के बहुत से माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन जो पत्रों की जो अहमियत है वो आज भी बरकरार है। बच्चों, संचार के अनेक उन्नत साधन भले ही विकसित हो गए हों, लेकिन पत्रों की जो अहमियत है, जो हैसियत है, वो आज भी बनी हुई है। बेटा, प्राचीन काल में जो पत्र होते थे वो हरकारे द्वारा पहुंचाए जाते थे। हरकारे यानि संदेश वाहक। तो बहुत दुर्गम स्थानों पर हरकारे के माध्यम से पत्रों को भेजा जाता था और ग्रामीण लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि जो हरकारे होते थे बच्चों वो बहुत दुर्गम स्थानों पर पैदल चलकर इस कार्य को किया करते थे, क्योंकि यातायात के साधन भी उस समय उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार आपको इस पाठ के अंतर्गत पत्रों के महत्व के बारे में पता चलेगा। और जैसे जैसे समय में बदलाव आया, वैसे वैसे साधनों में भी परिवर्तन आया। जैसे पहले पत्र के माध्यम से हम बातचीत करते थे, आधुनिक समय में क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों, फ़ोन है, कंप्यूटर है, लेकिन जो पत्र की जो अहमियत है, पत्र का जो महत्व है, वो आज भी बरकरार है। और जो पत्र शैली है वो क्या है बेटा, एक लेखन कला है, और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी लेखन कला होती है। वो अपने भावों को व्यक्त करता है, और आज भी जो कार्यालयी पत्र हैं वो आज भी महत्वपूर्ण संदेशों का
माध्यम बने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।